नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के फ्रूट मार्केट में। आइए बात करते हैं फ्रूट वालों से, उनकी क्या राय है ये कोरोना जो काल चल रहा है अभी, लोगों के मन में कितना प्रतिशत उनके दिलो दिमाग में कोरोना बैठा हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है ये लॉकडाउन के बारे में, जो अभी मिनी लॉकडाउन लगा है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, राजकुमार डब्बू गुप्ता। इस लॉकडाउन से तो फिलहाल अपना थोड़ा बहुत रोजी रोटी चली रहा है, लेकिन बंद होने से क्या है, समय के पहले बंद हो जाना माल नुकसान का चप्पल है। लेकिन क्या करें, अब शहर का माहौल और हमारे सभी जितने भी हैं, समझ लो एक हिसाब से बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में अपन सबका सहयोग लेके चलेंगे वही अच्छा है, नुकसान तो ज़िंदगी का कमाना खाना है। और प्रशासन ने सहयोग दे के हम लोग उनके हिसाब से चलेंगे और अपने परिवार और अपने पूरे शहरवासियों के हिसाब से चलेंगे, वो अति उत्तम है। ग्राहक आते हैं क्या आपके पास? कस्टमर आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, अभी फिलहाल उतना नहीं है, जबकि अभी सीजन का माहौल चल रहा है। लेकिन माल धंधा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी इसकी वजह से धंधा, अभी तो समर सीजन चालू हो गया है तो अभी फल फ्रूट्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है इस टाइम पे। डिमांड बढ़ गई, लेकिन खाने वाले अभी क्या है, बीमारी की वजह से कतरा रहे हैं। बीमारी की वजह से ही तो वो फ्रूट्स का और ज़्यादा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, सबके पास जब पैसा, जब क्या समय कम हो रहा है लोगों के पास, आप इस हफ्ते में दो दिन छुट्टी है, लोग काम धंधे पे कम है, जब काम धंधा रहेगा लोगों के पास तभी तो फल खाएंगे ना। शनिवार और रविवार को जो दो दिन प्रशासन ने ये लॉकडाउन लगाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रशासन ने जो लगाया है वो अच्छा लगाया, लेकिन अपना सबका तो चालू ही रहता है, अपना सबका चालू होने से थोड़ा माल खराब नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे सबके लिए अच्छा किया, लेकिन और सबके लिए तो अच्छा सहयोग कर रही है क्या आपको प्रशासन? सहयोग ही है ना, सब प्रशासन हर समय सहयोग करती है ना। प्रशासन किस तरीके से करती है? प्रशासन यही सहयोग करती है कि भाई आप अपना माल समय के हिसाब से समेट लो, समय के हिसाब से लगा लो, कोई दंडात्मक कार्रवाई वगैरह नहीं करती लेट पास होने पे, बस इतना बहुत सहयोग है प्रशासन का। अपन मुँह पे मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करके हर समय खड़े रहते हैं, उनसे बोलते भैया आप भी मास्क लगा के रखिए और फलों को थोड़ा हाथ मत लगाइए। क्या है, अभी आम का समय चल रहा है, लोग आते हैं सूंघते हैं, तो उनको भाई अभी वो सीज़न नहीं चल रहा है आप उनको सूंघने वाला, वो सब सहयोग करते हैं, उनसे भी राय लेते हैं। वो लोग भी जो कस्टमर आते हैं वो भी बताते हैं कि आप भाई इस हिसाब से चलिए। कितना माल लेके रखते हैं तो आप अपने? माल अभी लॉकडाउन में कम से कम रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते ना। अभी कोरोना के चलते कुछ नुकसान भी हुआ है क्या आपका? हमारा नुकसान ये हुआ है कि शनिवार इतवार को जो लॉकडाउन का दिए है गवर्नमेंट ने, तो हमने उसका पालन करे है, लेकिन हमने सोमवार को जब दुकान खोले, हमने ढाक कर गए थे, तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का माल हमारा एकदम सड़ गया और हमने फेंक दिए, और कोई ग्राहक को कस्टमर को हमने दिए नहीं। और अभी दिन भर में कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके पास? दिन भर में क्या ग्राहक, कभी 50 भी आ जाते, कभी 100 भी आ जाते, लेकिन रोज दे भर ऐसे है ग्राहक क्या अपना अपना थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। पहले जैसे कोरोना के पहले कितने आते थे? तो कोरोना के पहले तो बहुत आते थे, कम से कम सुबह से शाम तक 100-150 ग्राहक आते थे। अच्छा, मतलब उससे 50% तो और कम ही हो गया है आपका। अब हम इतना माल भी नहीं रख रहे, जो पहले लगते थे 10 टोकने, अभी हम 2 टोकने रख रहे, तो उसमें भी जरा सा ग्राहक नहीं ले रहा है, तो उसमें भी माल सड़ता है। मतलब देख सकते हैं आप कि उनको जो व्यापारी है उनको अपना माल फेंकना पड़ रहा है, बहुत तरीके से उनको नुकसान का भरपाई छोटे बड़े व्यापारियों को ही करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते अभी जो महामारी आई है उससे जो पूरी दुनिया है वो गुजर चुकी है, लेकिन उस पर जो हमारे व्यापारी है, जो छोटे बड़े व्यापारी है, उन पर बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, और उसमें जो बेरोजगारी है और भी बढ़ती नज़र आ रही है। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।